अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से सीमेंट और सैंड की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं अगर हमें मोटर प्लास्टर मोटर की रेशो दी हुई हो। ठीक है, हम किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम कितना आता है। हम एरिया गिवन है, रेशो गिवन है और थिकनेस गिवन है। हमने निकालना क्या है, हमने सीमेंट और सैंड की क्वान्टिटी निकालनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालना है तो हम एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम वन जीरो 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 10,000 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस कितनी दी हुई है, हाफ इंच। ये इंच है, इसको हम फिट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा कैलकुलेट करने से वो 416.67 क्यूबिक फीट आएगा। अब हमारे पास ये जो वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम वेट वॉल्यूम है। इस वेट वॉल्यूम को हमने पहले कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम में। ड्राई वॉल्यूम, जब हम प्लास्टर के लिए ड्राई वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं, वन मल्टीप्लाई करते हैं 1.27 के साथ। 416.67 मल्टीप्लाई बाय 1.27। तब मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो 529.16 क्यूबिक फीट आएगा। अब ये हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। ड्राई वॉल्यूम आ गया, अब हम वन बाय वन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे, सीमेंट की भी और सैंड की भी। हमें रेशो क्या दी हुई है, रेशो हमारे पास है 1:3। इसको अगर हम सम निकाल लें तो ये सम कितना आएगा, 1+3=4। अब सीमेंट की रेशो में कितनी वैल्यू है, 1 है। सीमेंट इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, 529.16। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, सीमेंट की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 132.29 क्यूबिक फिट आएगी। ये सीमेंट की वैल्यू आई है क्यूबिक फिट में। हमने इसको बैग्स में कन्वर्ट करना है। बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1.25 के साथ। जब हम इसको 1.25 के साथ डिवाइड करेंगे 1.25, तो ये इक्वल टू 106 बैग्स आएंगे। सीमेंट हो गया। अब हमने सैंड की वैल्यू निकालनी है। सैंड इक्वल है, अब इसकी सैंड की कितनी वैल्यू यूज हुई है रेशो के अंदर, 3 है। 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय 529.16, तो ये इक्वल आएगा 397 क्यूबिक फीट। इस तरह से हम प्लास्टर के अगर हमें रेशो दी हुई हो तो हम सीमेंट और सैंड को निकाल सकते हैं।